30 से 40 मिनट रास्ता ठीक, पिछला रास्ता था बहुत ख़राब था, अब तो रास्ता ठीक है। बहुत थक चुके हैं बैठे बैठे, पीछे देखो इसके कुत्ते फैन है, डेड हो गए, आगे रास्ता सारा ऐसी है। अभी कौन सी जगह पहुंचे हम? सुंदर नगर हम पहुंच चुके, देखो 3.5-4 घंटे का रास्ता है, बहुत दूर है हमारा, बहुत दूर, फिर भी बताने की बर्बादी है। दिल्ली से मनाली का रास्ता लगभग 14 घंटे का है और 10 घंटे ड्राइव करने के बाद अब हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे, पर सुंदर नगर पार करने के बाद जो नज़ारे हमें देखने को मिले, मानो ऐसा लगा कि हमारी थकान ही दूर हो गई। यहाँ के 2-साइडेड रोड इतने चौड़े और इतने खुले थे कि यहाँ ड्राइव करने का अपना ही मज़ा था। कुल्लू पार करने के बाद रास्ते थोड़े कंजेस्टेड हो गए थे, लेकिन साथ बहती नदी और बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर मन और भी खुश हो गया, और अब इन खूबसूरत वादियों को देखकर ही हम समझ गए थे कि मनाली पहुंच गए। यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मॉल रोड और ये गोल चक्कर है, यहाँ से मेन जो एंट्रेंस है, यहाँ ऊपर हिडिंबा टेम्पल है और यहाँ हमारा होटल है। यहाँ मार्केट में आप लोगों को ना गाड़ी वाले मिल जाएंगे रोहतांग पास के लिए आगे जाने के लिए, उनसे आप बार्गेन कर सकते हो और प्राइस भी कम प्राइस में भी आप बुकिंग कर सकते हो। और तो बहुत सारे एडवेंचर टूर वगैरह के ये देखिए ये बने हुए हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ बार्गेनिंग नहीं होगी, लेकिन जो बाहर लोग रहेंगे ना उनसे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और ये माल रोड पे मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, हिमाचल टूरिज्म है, यहाँ से आपने लोकल साइट वगैरह जो बुकिंग करने के लिए ना आप लोग टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, 12 लाख पास है हिमाचल टूरिज्म। यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो, ये जूस शॉप, चलो थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। आ जाओ जरा इसका रिव्यू लेते हैं। तो आपने जूस पिया कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल बेकार, कोई मत पीना, बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास, 10 रुपीज़ भी वर्थ नहीं। इतना बेकार बनाया क्या? बहुत बेकार। क्या आपने क्या लिया था? मैंगो शेक का मूड है, खाली हो गया तो खाली फेंका मैंने। अच्छा, खाली भी फेंका। और था कितने का? 190 रुपीज़, यू नो 190 बार, ओह माय गॉड, 10 रुपीज़ वर्थ, ओनली 10 रुपीज़। गिरा था उसमें उसकी बात, वाटर वाटर डाल। ये क्या है? ये हमारा भाई, नहीं अभी ट्राई, तू दोनों ट्राई करना भाई, मैं कहता रहा हूँ तो बहुत ख़राब है तो इसको देख। माल्टा मीठा भी नहीं, तो माल्टा मीठा होता भाई बहुत, ये मीठा भी नहीं, माल्टा बहुत मीठा होता है। यार मैं कह रहा हूँ भाई ने बताया जूस कैसा, बिल्कुल बेकार है, बहुत बेकार है इसका फ्रेश जूस, सबसे बेकार, कभी नहीं पी, बहुत वेरी बैड, 540 रुपीज़ टू पूरा खींच गए। मैंने जबरदस्ती पिया, जबरदस्ती वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ, बिल्कुल भी वर्थ नहीं। क्या चार्ज कितने का था ये? 190 रुपये, 190 रुपये मैंगो शेक, बिल्कुल वर्थ नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे इधर दिल्ली में 60 रुपये ऐसा ऐसा मिलता है, दुनिया पागल हो जाए पी के। ऊपर से दूध में नहीं है, पानी में, पानी में, पानी में दूध, नाम का है, ले पी ले, नाम का है, पी ले पी ले। और मैं तो पी लिया यार तेरा, मैंगो तो है ही नहीं ज्यादा, वो अब ये मैंगो है। हाँ ये मैंगो, मैं टेस्ट करके बताता हूँ।
आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं, मैं करता हूँ। बिल्कुल बेकार है यहाँ के मोमोज, मोमोज भी और जूस भी। मोमोज तो खाए नहीं ना हमने, तो मोमोज के बारे में मोमोज के लिए भी वो लोग कह रहे बेकार है। हम लोग वो जिन जो खा रहे हैं उनको, जो हमने नहीं खाया हम कह रहे। देखो मेन मेन मॉल रोड पे बेकार जूस एकदम, बिल्कुल बेकार, मत पीना, वेस्ट है, बिल्कुल पानी पी लेना। ये है मनाली मेल, ये मनाली का मेन माल रोड स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। हिमालयन ढाबा, पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा, हिमालयन पंजाबी, हिमालयन पंजाबी। खाना दिखते क्या, मैंने ऑर्डर किया वेज और अभी ये देख रहे हैं क्या राजमा चावल, ये छोले चावल, मैं कढ़ी चावल, ठीक है। दोनों भूखे बैठे सुबह से, हम क्या बोलेंगे तुझे, इनकी हालत खराब हो गई। देखो तेरी वजह से हमें पालक पनीर खाना पड़ रहा है। पालक पनीर, अभी इनका ऑर्डर देखा जरा तुम, पालक पनीर वालों के शर्म आती है मुझे, कुछ पालक पनीर बोलने का मन खा जाता है। इलन की घास फूस आ गई है, ये क्या है, छोले चावल, ये राजमा, ये राजमा, राजमा का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ये मनाली का राजमा है स्पेशल, बड़ा बड़ा राजमा है ये साले, इसी को राजमा बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे ऐसे खा लेंगे, हम इसे छोटा करके खा लेंगे पीछे से। लंच करने के बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकले। ये देखो घास फूस खाने के बाद, ये मटन भी निशान है, ये राजमा फंस गया, राजमा फंस गया, राजमा काफ़ी टाइट था जमाने में, दिक्कत हो रही जमाने में, यह हमेशा आपको भीड़ मिलेगी क्योंकि मॉल रोड पे, मैंने इतनी जगह मॉल रोड देखे हैं सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो है ना मनाली के मॉल रोड पे होती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है और क्राउड यहाँ पर काफ़ी रहता ही है, बहुत भीड़ है बहुत। और हम जा रहे हैं जूस पीने, माल रोड का मतलब यार भीड़ रोड होती है इसका, इतनी भीड़ होती है, तो हम नहीं जानते। मैं यहीं का बाशिंदा, इतना मैं 150 रुपये देगा खाया राज बताओ खाया इसने यहाँ का बस स्टैंड। ये ट्रांसपोर्ट बस वगैरह सब यहाँ पर आती है।